नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इस केस में राइट क्या किया, सम एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ कोई स्पेशल केस नहीं है, सपोज दैट और आपने राइट किया सम स्टेटमेंट लाइक इफ सम कंडीशंस विद सम स्टेटमेंट लाइक दैट सेम एज एल्स इफ, देन अगेन वी आर प्रोवाइडिंग सम कंडीशंस, एन अदर कंडीशन इज कंडीशन वन कंडीशन टू देन एन अदर स्टेटमेंट। अगर इसका इक्विवेलेंट कन्वर्जन चेक करें तो फर्स्ट केस, अगर इफ के करेस्पॉन्डिंग कर्ली ब्रैकेट अप्लाई नहीं किया था, इसका कन्वर्जन क्या हुआ इफ का, इफ इज इक्विवेलेंट टू कंडीशन वन, इसका जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग कब आएगा आफ्टर फर्स्ट सेमी कोलन, तो इफ के बॉडी पार्ट में कंसिडर क्या हुआ ओनली स्टेटमेंट वन लाइक दैट। नेक्स्ट वन एल्स, एल्स के केस में बात करें, ये एल्स इफ इन दोनों को सेपरेटली ब्रेक करेंगे, दिस वन इज एल्स दिस वन इज इफ, इसे एल्स को कंसिडर करें जा एल्स ब्लॉक फोर इफ, इफ के रिस्पेक्ट में एल्स के अंदर एल्स का बॉडी पार्ट जस्ट स्टार्ट हो जाए, इसका बॉडी भी टर्मिनेट किससे हुआ फर्स्ट सेमी कॉलन से, तो इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है, इक्विवेलेंट लाइक दैट ओपनिंग देन इफ देन कंडीशन टेस्टिंग अगेन, अगर ये अगेन कंडीशन टू है इनर, इसे इफ क्या है इट इज इनर टू द एल्स ब्लॉक लाइक दैट, देन इसके प्लेस पर राइट क्या हुआ स्टेटमेंट टू, जैसे इसके जस्ट बाद क्या है क्लोजिंग ऑफ एल्स ब्लॉक लाइक दैट सेम एज इन दैट केस, अगर एल्स इफ राइट किया तो इसका मीनिंग क्या है इट विल बिकम्स लाइक दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एल्स बॉडी, और एल्स बॉडी के अंदर अगेन राइट क्या हुआ इफ ब्लॉक, चेक करते हैं इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गिवन कोड, फर्स्ट वन इफ के रिस्पेक्ट में बात करें तो इफ के अंदर डायरेक्टली कंडीशंस के प्लेसेस पर सप्लाई किया गया सम प्रिंट एफ स्टेटमेंट, और प्रिंट एफ का जनरली वर्किंग क्या रहता है डिस्प्लेइंग गिवन मैसेज ऑन द मॉनिटर, सेकंड स्टेप क्या रहता है प्रिंट एफ का रिटर्निंग सम वैल्यू इंटीजर नंबर मीन्स एज अ नंबर ऑफ डिस्प्लेड कैरेक्टर्स, तो इसके इसमें इम्प्रिंट एफ फंक्शन भी अगेन कॉल हुआ एज अ नेस्टेड फॉर्मेट और इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड फंक्शन कॉलिंग, जब आउटर और इनर के फॉर्म में कॉल किया तो सबसे पहले इनर प्रिंट एफ को चांस मिलेगा, इसे इनर प्रिंट एफ के अंदर सप्लाई किया गया है एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग देयरफॉर इट विल डजंट प्रिंटिंग एनी मैसेज, इससे कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ प्लस टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेड सिंबल्स काउंट होंगे एज अ जीरो, इसलिए फाइनली इससे रिटर्न क्या हो रहा है वैल्यू एज जीरो लाइक दैट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस में बात करें टू द नेक्स्ट प्रिंट एफ, नेक्स्ट प्रिंट एफ के केस में आई थिंक प्रीवियस केस में टू टाइम्स ब्रैकेट्स थे इसलिए आपको एक्स्ट्रा ब्रैकेट सप्लाई करने नीड नहीं, मीन्स दिस वन इज कंप्लीट प्रिंट एफ, नेक्स्ट प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या हुआ वैल्यू है जीरो देयरफॉर इट विल प्रिंट्स जीरो, जीरो को काउंट करेंगे एज अ सिंगल सिंबल इसलिए सेकंड प्रिंट एफ से रिटर्न किया नंबर ऑफ डिस्प्लेड सिंबल्स, मीन्स वैल्यू का प्रिंट हुआ जीरो लेकिन इसको काउंट करेंगे एज अ वन कैरेक्टर, इसलिए सेकंड और आउटर प्रिंट एफ से रिटर्न क्या हुआ नंबर ऑफ डिस्प्लेड कैरेक्टर एस वन, वन मीन्स कंडीशन इज ट्रू, वन के रिस्पेक्ट में कंडीशन कंसिडर हो गया जाए ट्रू ट्रू है तो इस केस में चांस किसको मिलेगा बॉडी ऑफ इफ, इफ बॉडी के अकॉर्डिंग अगेन डिस्प्ले हो जाएगा वी आर हैप्पी मैसेज। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद अगर इफ का कंडीशन टू देन एल्स ब्लॉक को चांस नहीं मिलेगा, अगर एल्स ब्लॉक को चांस नहीं मिलेगा तो एल्स का बॉडी पार्ट टेस्ट हुआ क्या नहीं, जबकि पूरा का पूरा सेशन क्या बॉडी टू द एल्स ब्लॉक ओनली क्या डिस्प्ले हुआ इस केस में जीरो।